नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, इस समय मौजूद हैं सहारनपुर के बेहट रोड स्थित दलित बस्ती में और यहां पे वाल्मीकि लोगों से सवाल लेंगे कि राय लेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या है इन लोगों की राय, क्योंकि बसपा से मायावती भी अपने आप को दलित समाज का नेता बताती है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद। जी सर, क्या नाम है आपका? रोमी कुमार। आई रोमी जी, ये बताइए 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? बहुत उससे देखते हैं जी, उम्मीद भरी उससे। क्या लग रहा है अब की बार फिर से योगी आदित्यनाथ, या अब की बार चेहरा कोई बदल सकता है? योगी आदित्यनाथ के ज्यादा चांस है, लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं जी गरीब आदमी है, घरों में आटा भर दिया, और क्या चाहिए। रोजगार की कमी है, वो भी दूर होने वाली। जो हमारे वाल्मीकि समाज में रोजगार नहीं है वो भी जल्दी मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार 403 में से सिर्फ 3 सीटें भाजपा को, 400 सीटें समाजवादी पार्टी को। ऐसा नहीं होने का जी, पूरी मेजोरिटी हासिल होगी बीजेपी को, ये देख लेना। बीजेपी समाज जो बीजेपी पार्टी का कार्यकाल रहा पिछले 4.5 साल का, उसमें कितने विकास कार्य हुए, कितनी उससे जनता को? विकास कार्य तो बहुत है, लेकिन मलिन बस्तियों में कोई विकास नहीं हुआ। मैं यहाँ के मेयर साहब हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, 100 साल पुराना नाला है, आज तक इसमें एक ईंट नहीं। पूरे शहर के नाले बन चुके, घरों में पानी भरता है। क्या लगता है कि कोरोना काल में जहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोगों ने जनता के बीच जाकर के इतनी सफाई का कार्य करा, कोरोना योद्धा के सम्मान भी उनको नवाजा गया, क्या उसके बाद भी यहाँ का विकास ना होना? उसके लिए, सम्मान के लिए हम बहुत आभारी हैं, मेयर साहब के भी, नगर आयुक्त साहब के भी और योगी जी के भी, लेकिन हमारी जो बस्ती में विकास नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए दलित समाज की, वाल्मीकि समाज की, मायावती जी जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके पूर्व में, क्या लग रहा है कि उनके शासन में दलित समाज का विकास हुआ? देखो अभी यो जो है विकास तो उस समय भी हुआ था ये हमारा, लेकिन अब के जो है हमारा इसके अंदर विकास नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप में युवा नेता हैं, कह रहे हैं कि दलित वोट हमारे साथ है, मायावती जी कह रही हमारे साथ है, ऐसा है जी। अब के चंद्रशेखर को भी देखा जाएगा, जब फिर बाद में उसकी बात करी जाएगी। आपसे भाई साहब राय लेना चाहेंगे, ये बताइए दलित समाज में दो नेता आमने सामने आ रहे हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी तरफ मायावती, किसको आपको पसंद है? देखो अभी तक ना तो मायावती ने कुछ करके दिखाया, रही चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने हाथरस हत्याकांड में और दिल्ली में जो भी वाल्मीकि समाज की जो लड़के हैं उनके साथ बलात्कार हुआ, उन्हें इंसाफ दिलाने में चंद्रशेखर का बहुत हाथ रहा है। समाज को जगाने का काम किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। लेकिन जो भाजपा सरकार है उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि हम वो ये समझती है, भाजपा भी और भाजपा के जितने भी नेता हैं छोटे से लेकर बड़े तक, उनके दिलो दिमाग में यही है कि वाल्मीकि समाज का हमारा जो है रिजर्व कोटा है, जो उनका वोट है रिजर्व है। लेकिन अब की बार अपने दिलो दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दे कि हम जो वाल्मीकि समाज का जो वोट है उनका रिजर्व है, क्योंकि अब जो है स्थिति कुछ और है। क्योंकि न तो भाजपा सरकार ने जितनी भी हमारे समाज की, जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी मलिन बस्तियाँ हैं, न तो उनका कोई विकास क्या है, ना उनके जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया है, ना कोई उनकी सोच जो पहले थी कभी किसी ज़माने में आज भी हुई है ना बदली है ना बदलेगी। हम किसे अपना माई बाप समझ लें, किस सरकार को समझ लें, अखिलेश को समझ लें, योगी को समझ लें, मायावती को समझ लें, किस सरकार ने हमारा भला किया? अगर क्या भी है, अगर कोई नेता बना भी है उसे सिर्फ सीमित मात्र में रखा है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया ये वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके, चाहे तो वो भाजपा सरकार का हो, हमारी बिरादरी का नेता, या सपा का हो, या कांग्रेस का हो। उसे केवल पद तो दे दिया, लेकिन पद की गरिमा में रहने के लिए या उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं हैगा, ना शिक्षा पे है। अभी यहाँ की जो पार्ट है तो भाजपा से है, जो अदर कास्ट है, जो अपर कास्ट की हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए उनके मोहल्ले जाके देखो, उनके कॉलोनी जाके देखो, सड़कें भी बनी हुई है, उनके नाले नालियाँ सब चीज़ बने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है, क्या हम लोग मानव नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हमारी बस्ती में देखो आप जाकर के, सिर्फ वोट है कहने को। अब ये कहते हैं कि हमारा रिजर्व बैंक है,
लेकिन अब की बार जो है कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करोड़ बैठेगा। तो लग रहा अब की बार जो दलित समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं? ये तो भविष्य के गर्म है भाई साहब, ये कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ महिला भी जुड़ चुकी है। मैं ये बताइए बहन जी, क्या लग रहा है आपकी बात 2022 के चुनाव को देखकर? हमें तो कुछ नहीं लग रहा। लग रहा कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आ पाएंगे? हमें नहीं लगता आ पाएंगे। किस वजह से आएंगे? हमारे बच्चे स्कूल से घर बैठे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है भाई स्कूल में देने के लिए, हमारे पास फीस नहीं है और हमें स्कूल से मना कर दिया गया है कि आप अपने बच्चे घर बिठाइए, हमारे पास हम नहीं पढ़ा सकते आपके बच्चों को। लेकिन लोग वह कह रहे हैं, जनता कह रही है, सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, कोई सुरक्षा अभी तक नहीं मिली। अब हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली आज तक, हमें बताएं कि हमें क्या सुरक्षा दी गई भाई, हमें बताओ। हमें उनका कहना कि कोरोना काल में जितना ज्यादा कंट्रोल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया, शायद अगर दूसरी सरकार होती फेल हो जाती। बिल्कुल भी नहीं होती। हमें क्या मिला, क्या मिला कोरोना काल में? कुछ भी नहीं मिला। नहीं, हमारे लोगों ने, आपके हिसाब से क्या लग रहा? हमारे लोगों ने तो और मदद करी है लोगों की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, ना हमारे बच्चों को कुछ मिल रहा। आगे बताया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारी बेटी तो घर बैठी है, हमारे बच्चे घर बैठे हैं, मेरी दो लड़कियां घर बैठी है, मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए और स्कूल वालों ने मना कर दिया कि आप घर बैठाइए। 2022 के चुनाव में प्रदेश में ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है जो आपके हिसाब से लग रहा है उचित है? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। मायावती दलित समाज की नेता है, पूर्व में उनकी सरकार रही, यूरोप की बार तो चंद्रशेखर आजाद भी आगे मैदान में, ये तो भविष्य ही बताएगा। इसके बारे में तो अभी मैं, मायावती के पूर्व में कार्यकाल रहा, उनसे कितना संतुष्ट रहे आप? उनके तो थे हम संतुष्ट, उनके लग रहा कि उनमें, एक मिनट भाई साहब, लग रहा कि उनके शासन में बहन बेटियां सुरक्षित थी और जो विकास है दलित समाज का हुआ था? हाँ जी था। कितना संतुष्ट थे आप उनसे? काफी थे। तो आखिर सरकार क्यों बदल दी? अगर आप उनके विकास से संतुष्ट थे तो सरकार कैसे बदली गई जी बताइए? बस हमने भी सोचा कि सर दूसरी सरकार का भी मौका देके देखा जाए, लेकिन दूसरी सरकार ने हमारा कुछ भी नहीं करा। आपके नगर तो नीचे आ गए। आपके नगर के विधायक संजय गर्ग हैं, 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, उनसे कितना संतुष्ट है? कोई भी नहीं। अगर आप, कोई नहीं आता। हाँ संजय, आप एक टीचर की तरह उनका नंबर देना चाहे, कितने नंबर देंगे रिपोर्ट कार्ड में? मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी। और भी हमारे साथ है भाई साहब, आप बताइए, आप भी बताओ, कोई बात नहीं, 2022 में क्या लग रहा आपको? मैं तो जी अखिलेश यादव को वोट देना चाहता हूँ, बस अखिलेश को जीतवाने चाहते हैं हम तो। क्या खूबी है दिग्गज सर उसमें? उसमें तो हर चीज की खूबी है जी अखिलेश में। लेकिन योगी आदित्य कह रहा कि कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे अब की बार। अखिलेश में हर चीज की खूबी है, गरीबों को साथ रखता है, रोजगार देता है, कोई भेदभाव नहीं रखता। अरे ये वाली सरकार तो हमारे से भेदभाव करती है। हमने इतना कोरोना वो चला है, हमने सबको मरीज जो उठाया भी है, हर चीज करा है, हमारे लिए नूबी नहीं 10-20 हज़ार रुपये 5 हज़ार हमारे बच्चों को दिए हो, हमें नहीं बीमारी लग सकी थी कोरोना की, है जी, ये उनको ही लगती है कोरोना की बीमारी। कभी आज तक के सरकार ने कहा कि कर्मचारी लग रहा है, कभी उनके बारे में कुछ सोचे? हमारे लिए अखिलेश यादव सोचते हैं, अखिलेश यादव ने हमारे लिए ऐसा कुछ करा है, हमारी भर्ती खोलते हैं, हमें वो करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं वह? आपके अखिलेश, आपने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है, सहारनपुर के नगर के विधायक संजय गर्ग हैं, उन्होंने कितना आखिर विकास कराया? अजी मैं भी ठीक है, बस वैसे अत्य उत्ते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको आना चाहिए यहाँ पे, बस मैं आता हूँ, लेकिन हम तो अखिलेश यादव की साथ है तन मन से। आप एक बात और बताइए, मायावती जो है सरकार बनाने के लिए कह रही है, चंद्रशेखर मैदान में है, क्या लग रहा कि अब की बार अगर दलित समाज से कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो विकास होगा? जब के तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, बस लग रहा कि कहीं ना कहीं दलित का भी काट हो जाएगा अब की बार? नहीं, बस वहीं जाएगा दलित का वोट अखिलेश यादव पे। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भाई साहब आप बताइए, एक मिनट जी, आप बताइए भाई साहब। सर ऐसा है देखो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ जी, हम तो यही कहते हैं, देखो विकास होना चाहिए, सब जगह रोशनी पानी, बच्चों को पढ़ाने का विकास होना चाहिए, सब कुछ अच्छे तरह चलना होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, देखो ऐसा है कि वोट उसी को जाएगा जो हमारा सम्मान करेगा। आखिर कौन सी पार्टी ऐसी है जो दलितों के सम्मान में मैदान में है? ऐसा है, अभी तक तो कोई पार्टी हमें ऐसी लगी ही नहीं जिनने हमारा सम्मान करा हो। सर पूर्व में मुख्यमंत्री मायावती भी रह चुकी हैं और अब की बार तो अगले वो चंद्रशेखर आजाद भी है मैदान में। ऐसा है जी, चंद्रशेखर आजाद जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे और कार्य भी करेंगे। हम तो कहते हैं वो उतरे मैदान में, जीतेंगे भी वो, कोई बात नहीं, ऐसा बस यही मेरा कहना था। पूर्व में मायावती मुख्यमंत्री रहे, कितना विकास कार्य उन्होंने दलित समाज के लिए किया? विकास तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन अपनों के लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, वाल्मीकि समाज के लिए नहीं किया कुछ भी, अपने समाज के लिए किया। जहां हाथी बनाने थे वहां हाथी बनाए, क्या ले लिया जी उसमें, क्या हासिल हुआ?
हाथी बना दिए, उनमें इतने पैसे लगा दिए। अगर ऐसे ही हमारे समाज के लिए लगाते, वाल्मीकि के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए कुछ करते या मंदिर बनाते या कुछ करते तो हम भी कहते, साथ देते। अब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, ना हम उन्हें वोट देने के ना कुछ। लग रहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं या चंद्रशेखर आज़ाद के तो चांस हैं जी, देखो क्योंकि बहुत अच्छे वो है। प्रदेश में अब की बार कांग्रेस से एक नया चेहरा मैदान में उतरा, मुख्यमंत्री पद का दावेदारी के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया। लग रहा है कि वो जीत हासिल कर पाएंगी? नहीं। क्या कमियां हैं सर उनमें, कांग्रेस पार्टी में? ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया आज तक, कभी भी दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया आज तक। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वो नील हैं, वो कभी नहीं आ सकते। वो हम वाल्मीकि समाज हैं, हमें दलित मानना है आज भी। हम दलित तो हैं नहीं, वाल्मीकि समाज है, जिसे ठाकुर बताया करते हैं, ठाकुर हैं हम। और राजा भी बतावे हमें, हमारे को इतना नीचा गिरा रखा है, हमें वाल्मीकि भी नहीं कहते। कोई तो भंगी बतावे, कोई चूड़ा बतावे, कोई जमादार बतावे, कोई दलित बतावे, कोई कुछ सब कुछ बतावे, हमें चिड़ा में। अगर एक पंडित है, राम राम जपना पराय माल अपना, बगल में छुरी तो सहारनपुर आई है। 2022 के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारी जो राय है जी, वो बीजेपी से है जी। खूबियां क्या दिखी सर? लोग बात कह रहे बीजेपी सरकार चोर है, महंगाई बढ़ा दी, गरीबों का नाश कर दिया। देखो हम तो बेरोजगार आदमी हैं, और जिन्होंने कहा कि भाई महंगाई बढ़ा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनकी तनख्वाह फिर बढ़ जाती है, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, महंगाई से कोई मतलब ही नहीं उनका। बीजेपी सरकार में कितना विकास हो गया वाल्मीकि समाज का, इस समय वाल्मीकि बस्ती में है? देखो जी, विकास की तो बात रही है, विकास तो हर जगह हो रहा है, लेकिन वाल्मीकि बस्तियाँ जितनी भी हैं यहाँ सहारनपुर के अंदर, किसी में भी कोई विकास नहीं हुआ। बता दे जो है। तो क्या लग रहा है आपकी बार 2022 में किसका, कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो वाल्मीकि समाज का, सभी समाज का विकास कर सके? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद लग रहा है कि अब भी वो विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। वाल्मीकि दलित समाज से मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, और अब की बार भी दावेदारी अपनी घोषित कर रही हैं, लग रहा है कि दोबारा मुख्यमंत्री? वो उनकी इच्छा है जी, जैसा उन्होंने सोच रखा है ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना तो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि जनता जनार्दन वोट देगी तब जाके मुख्यमंत्री बनेगी जी। अगर मेरे ही देने से वोट बनेगी तो मैं नहीं दूंगा सर वोट मायावती को, दूंगा बीजेपी को। क्या नाराजगी सर उनसे, इतने सरकार का कार्यकाल भी रहा उनका? नाराजगी है जो हमारे समाज में भर्ती हुई थी ग्राम पंचायत में, जिसमें के झाड़ू की नौकरी वाल्मीकि समाज की थी, और मायावती ने सारे ही भर दिए थे उसमें, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। अब की बार चंद्रशेखर भी मैदान में है, कह रहे हैं कि दलित वोट हमारे पास है, वाल्मीकि वोट हमारे पास है, लग रहा है कि उनके साथ जनता जाएगी अब की बार? देखो दलित में तो हमारा भाई है चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, ये तो एक लड़ाई होगी भविष्य में, उनकी जो भी होगा निर्णय पता लग जाएगा। आपके विकास के लिए निरंतर वो जनता के बीच जुझारू रहते हैं, कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो निरंतर पहुँचते, लग रहा कि वो उनका कार्य है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफ़ी है? जी हाँ, ये भी सच है। अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं सर आप? अखिलेश यादव को भी सही देखते हैं जी। अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह जी ने हमारी जो नगर निगम में भर्ती कराई गई थी, संविदा में रखी थी उन्होंने भर्ती, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, जो कि आज बच्चे रोटी रोजी मतलब मिला है उन्हें, तो मुलायम सिंह की वजह से ही मिला है। अगर मुलायम सिंह दोबारा आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री सर, हाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो संविदा वाले सब पक्के हो जाएंगे। लेकिन अब की बार तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जा रहे हैं, लग रहा कि वो दोबारा से आपकी जो भर्ती है उसको पूरा कर देंगे? ऐसा भी हो सकता है जी, भर्ती भी हो सकती है। तो लग रहा कि अगर उनको वोट देंगे, आखिर वोट किसे देंगे ये नहीं समझ आ रहा, एक तरफ आप कह रहे योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ समाजवादी। मेरा वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही जाता है जी। सिर्फ बीजेपी को, चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले? ना, हाँ जी, कुछ भी ना मिले, चाहे रोटी भी ना मिलो खाने को। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर की वाल्मीकि जनता की राय, जिन्होंने बताया कि 2022 में जो चुनाव का निर्णय होगा वो आखिर कैसे होगा। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क।